आज मंजूस रसोई में मेरी पसंद की न्यूट्रिला और मखाने की सब्जी बन रही है। वो इस प्रकार है, ये जो न्यूट्रिला है इसको मैंने 1 घंटे तक गर्म पानी में डिप करके रखा था। उसमें मैंने 3-4 चम्मच दूध भी डाला था। तो उसको छान के अच्छा वॉश करिएगा, फिर यूज़ करिएगा। ये मखाने हैं, ये 2.5 कप मखाने हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, इस कप से मेज़र किया है तो 2.5 कप मखाने हैं, जिसको मैंने स्लाइटली रोस्ट करके थोड़ा दरदरा पीस लिया है। ये 3 टमाटर हैं और इस टमाटर और ये ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्स करके ग्राइंड करूँगी। और ड्राई फ्रूट्स में 6-7 काजू हैं, 1 टीस्पून मेलन सीड्स है, 1 टीस्पून खसखस है। ये मैं डाल के फ्राई करके उसको ग्राइंड कर लूँगी। और ये 2 छोटे प्याज हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 6-7 गार्लिक हैं, 1 हरी मिर्ची और छोटा सा पीस अदरक का है। और इसमें जो मसाले डालेंगे वो 1 टीस्पून फुल भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची और पिंच ऑफ गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला ज़्यादा डालते हैं तो 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। अब ये कैसे बनता है मैं बताती हूँ, मैं ग्राइंड करके इन चीज़ों को आपको बताती हूँ। अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ जो न्यूट्रिला और मखाने की है। उसमें मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 तेज पत्ते के बाद इसमें 2 छोटे प्याज जिसको मैंने कस कर लिया है, ग्राइंड नहीं किया है, कस कर लिया है। अब ये लाल हो जाएगा तो उसके बाद मैं टमाटो ग्रेवी जो लहसुन और अदरक के साथ है पीसी हुई और ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें डाल दूँगी, जो मैंने ग्रेवी टमाटो के साथ ही पीस लिया है। ये लाल होते हैं 2-3 मिनट लगेंगे, फिर मैं बताती हूँ आप। 3 प्याज हो गए हैं। अब ये जो न्यूट्रला ग्रेन्यूल्स है वो डाल के मैं 5 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मसाले और टमाटो ग्रेवी डालेंगे। मैं 5 मिनट तक फ्राई करती हूँ इसका कच्चापन निकालने के लिए। ये न्यूट्रला फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी, जो धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, नमक। इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब इसमें जो मैंने टमाटो प्यूरी बनाई है, जो कि उसमें टमाटो प्यूरी में लहसुन, अदरक, काजू, मेलन सीड्स और खसखस उसकी पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भूनना है। फोर टू फाइव मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद मैं 1/2 कप पानी और 1/2 कप दूध, उससे पहले मैं मखाने डालूंगी। ये जब फ्राई हो जाएगी टमाटो, उसके बाद मैं 1 कप मखाने डालूंगी जो कि मैंने फ्राई करके रखे हैं। उसके बाद मैं 1 कप पानी और दूध मिला के डालूंगी, उसको दम पे रख दूंगी 5 से 7 मिनट। ये टमाटो सूख गई है, इसमें न्यूट्रिला है। अब मैं मखाने डाल रही हूँ जिसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था और दरदरा पीस लिया था। इसको अच्छा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें दूध और पानी डाल के ग्रेवी रेडी करेंगे। अगर आपको दूध नहीं डालना है तो पानी भी डाल सकते हैं। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही इसको फ्राई करके रखा है। ये दूध और पानी है 1 कप। और ये ग्रेवी का पानी है जो मिक्सी का निकला,
अब मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी वाइट लग रही है तो आप इसमें रेड ऑरेंज कलर, पिंच ऑफ रेड ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, तो उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपको वाइट ग्रेवी लग रही है, अगर आपको दूध नहीं डालना है तो सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं। मैंने दूध और पानी डाल के बनाई है। अब इसको मैं दम पे रखूँगी 5 से 7 मिनट। न्यूट्रीला मखाने की सब्जी रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही लाजवाब बनी है। अब आप घर पे बनाइए, आपकी भी बहुत लाजवाब बनेगी।